आज पूरी दुनिया अंधी हो गई है, उनकी आंखों में कालीस की पट्टी लग गई है, वो ये नहीं देख रहे हैं। सब तो इजराइल इजराइल कर रहे थे, आज इजराइल जो बच्चों को मार रहा है ये नहीं बोला जा रहा है। आज मुसलमानों को दहशतगर्द बोला जाता है, ये जो दहशतगर्दी हो रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? पूरी दुनिया से मैं पूछना चाहता हूँ, अब आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोगों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? जिस तरह से कान में तेल डाल के जुल्म कर रहा है जालिम, और उसके बारे में उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे पूरी दुनिया। आज हम अरब देश को बोलते हैं, अरबी लोग क्या करेंगे? खा रहे और ऐश और आराम कर रहेंगे। तुम्हारा भाई पीट रहा, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी औरतों की हिजाब खींचा जा रहा है, इनके बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? ये क्या जुल्म नहीं है? उनके खिलाफ तुम लोग कब आवाज़ उठाओगे? अब कौन सा मौका आएगा तुम लोगों के पास में जो तुम लोग आवाज़ उठाओगे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन के अंदर में? आज तो पूरा बर्बाद कर दिया पूरा फलस्तीन, गाजा को मार बम मार बम मार बम, पूरा बम मार के पूरे शहर को तुम वीरान कर दिया, खंडर बना दिया। उस मजलूम मासूम के ऊपर में जुल्म कर रहा है, और उस जुल्म का तमाशा जो है अमेरिका, ब्रिटिश और भी जितने उसके चाहने वाले हैं, ये लोग सब मिलकर जुल्म का तमाशा देख रहे हैं और ताली ठोक रहे हैं कि वाह रे वाह, मुसलमानों पे जुल्म जो हो रहा है मज़ा आ रहा है। मगर याद रखना, तुम लोग जितना तुम लोग जुल्म कर लो, जितना तुम लोग को जुल्म ढाना ढालो, लेकिन वो खालिक वो मालिक बैठा हुआ इंसाफ करने वाला, उसका जिस दिन इंसाफ हो गया तो जैसे यमन का हालत किया था अल्लाह पाक ने कि पलट दिया था पूरा शहर का शहर, इसराइल भी उसी तरह से पलटेगा। भले नहीं फरिश्ते पलटे, लेकिन फरिश्तों के बीच से इंसान ऐसा पैदा करेगा कि वो इनको पलट के रख देगा। आपको मालूम नहीं है किस तरह से इन्होंने जेनोसाइड किया है? अब तक के 2008 से लगाकर यहाँ तक के 160,000 मासूम बच्चों का कत्ल किया है यही इसराइल ने, मगर ये बेवकूफ़ जानते नहीं है। जलते तवे पे रोटी जो है ना, जितना चापोगे उतना खूबसूरत बनती है। इसी तरह से इस्लाम है, जितना तुम चापोगे पूरी दुनिया में उसी तरह से खूबसूरत बन के सामने आएगा। तुम सकोगे नहीं इसको ख़त्म करने। ये जो तुम लोग तमाशा कर रहे होगे कि मुसलमान को इस्लाम को ख़त्म कर दे, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इसराइल, आज इसराइल किसी के घर के अंदर में घुस के उसके घर को कब्जा किया, और कब्जा करके उस मजलूम मासूम के ऊपर में जुल्म कर रहा है, और उस जुल्म का तमाशा जो है अमेरिका, ब्रिटिश और भी जितने उसके चाहने वाले हैं, ये लोग सब मिलकर जुल्म का तमाशा देख रहे हैं और ताली ठोक रहे हैं कि वाह रे वाह, मुसलमानों पे जुल्म जो हो रहा है मज़ा आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इसराइल, आज इसराइल किसी के घर के अंदर में घुस के उसके घर को कब्जा किया, और कब्जा करके उस मजलूम मासूम के ऊपर में जुल्म कर रहा है, और उस जुल्म का तमाशा जो है अमेरिका, ब्रिटिश और भी जितने उसके चाहने वाले हैं, ये लोग सब मिलकर जुल्म का तमाशा देख रहे हैं और ताली ठोक रहे हैं कि वाह रे वाह, मुसलमानों पे जुल्म जो हो रहा है मज़ा आ रहा है। मगर याद रखना, तुम लोग जितना तुम लोग जुल्म कर लो, जितना तुम लोग को जुल्म ढाना ढालो, लेकिन वो खालिक वो मालिक बैठा हुआ इंसाफ करने वाला, उसका जिस दिन इंसाफ हो गया तो जैसे यमन का हालत किया था अल्लाह पाक ने कि पलट दिया था पूरा शहर का शहर, इसराइल भी उसी तरह से पलटेगा। भले नहीं फरिश्ते पलटे, लेकिन फरिश्तों के बीच से इंसान ऐसा पैदा करेगा कि वो इनको पलट के रख देगा, इसलिए कि वो हमारी पाक जगह, हमारा अव्वल किबला बैतुल मुकद्दस के अंदर में वो कब्ज़ा करे हुए आज से नहीं एक ज़माने से, और उसको कब्ज़ा करते 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 पूरा इसराइल बना दिया, अब फलस्तीन की ज़मीन को तंग कर दिया। आपको मालूम नहीं है किस तरह से इन्होंने जेनोसाइड किया है? अब तक के 2008 से लगाकर यहाँ तक के 160,000 मासूम बच्चों का कत्ल किया है यही इसराइल ने। बनारस की घाट से आज पूजा पाठ हो रहा है, इसराइल के समर्थन में जंग जीते। वो तो इसराइल की पॉलिसी लेके ही चल रहे हैं। अगर वो इसराइल की पॉलिसी लेके नहीं चलते होते तो आज जो है यहाँ पर ही हिंदू मुसलमान जो हो रहा है ये करने का यही कारण है, जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद
और सबसे बड़ा इनका जो आका है वो है भाजपा। ये तो टोटल इसराइल की पॉलिसी ले ही के चल रहे हैं। अगर ये इसराइल की इनकी पॉलिसी नहीं होती तो मुसलमान पे ये जुल्म नहीं करते। इसराइल को मालूम है कि अगर से आपको चमकना है, कोहिनूर हीरा बनना है, तो बस सिर्फ मुसलमान को टच करो, उसको टच करोगे तुम कोहिनूर हीरा बन जाओगे, तुम अनमोल हीरा बन जाओगे मुसलमान को टच करने से। तो ये लोग ने यही सोचा है कि मुसलमान को टच करेंगे तो अपने वो तो आगे बढ़ जाएगा, तो इनको मार के टच करो, ख़त्म करो इनको, इनका जेनोसाइड करो। मगर ये बेवकूफ़ जानते नहीं है, जलते तवे पे रोटी जो है ना, जितना चापोगे उतना खूबसूरत बनती है। इसी तरह से इस्लाम है, जितना तुम चापोगे पूरी दुनिया में उसी तरह से खूबसूरत बन के सामने आएगा। तुम सकोगे नहीं इसको ख़त्म करने। ये जो तुम लोग तमाशा कर रहे होगे कि मुसलमान को इस्लाम को ख़त्म कर दे, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। आज आपको लोग मांग क्या है? हमारा यही मांग है कि जो गरीब के ऊपर में जो जुल्म कर रहे हो तुम, जो बमबारी कर रहे हो, जो नहीं जानते लड़ना, वो गरीब घर में खाना खा रहे, खाना पका रहे औरतें हैं, उनके ऊपर में तुम कर रहे। आज पूरी दुनिया अंधी हो गई है, उनके आंखों में कालीस की पट्टी लग गई है, वो ये नहीं देख रहे हैं। सब तो इसराइल इसराइल कर रहे थे, आज इसराइल जो बच्चों को मार रहा है ये नहीं बोला जा रहा है? आज मुसलमानों को दहशतगर्द बोला जाता है। ये जो दहशतगर्दी हो रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? पूरी दुनिया से मैं पूछना चाहता हूँ, अब आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोगों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? जिस तरह से कान में तेल डाल के एक जुल्म कर रहा है एक जालिम, और उसके बारे में उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे पूरी दुनिया। आज हम अरब देश को बोलते हैं, अरबी लोग क्या करेंगे? खा रहे और ऐश आराम कर रहे, तुम्हारा भाई पीट रहा, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी औरतों की हिजाब खींचा जा रहा है, इनके बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? ये क्या जुल्म नहीं है? जुल्म के खिलाफ तुम लोग कब आवाज़ उठाओगे? अब कौन सा मौका आएगा तुम लोगों के पास में जो तुम लोग इस आवाज़ उठाओगे मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन के अंदर में? आज तो पूरा बर्बाद कर दिया पूरा फलस्तीन, गाजा को मार बम मार बम मार बम, पूरा बम मार के पूरे शहर को एकदम वीरान कर दिया, खंडर बना दिया। इसके ऊपर में भी कोई आवाज़ अब नहीं उठाएगा तो अब कब उठाएगा? चलिए हम नहीं लड़ सकते। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसराइल जाकर इसराइल के सपोर्ट में जंग लड़ना चाहते हैं फिलिस्तीन के खिलाफ, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये गंद मचाने वाले हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। ये छटाक भर की जबान बहुत बोलते हैं। इनको इनको जब यहाँ से जाने ही नहीं मिलेगा तो वो पहुँचेंगे कब? वो पहुँचेंगे कब? बल्कि हाँ ये कहिए कि हम लोग अगर यहाँ से अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो वो दुआ वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये सोच रहे कि हम चले जाएंगे वहाँ पर ही तो वो नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए सही है आज जो हिंदू दहशतगर्द जो हैगा, हिंदू दहशतगर्द तो पूरा समझो देश के अंदर में मुसलमानों का जो जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये बात सही है, हम मान रहे हैं आपकी बात को कि वाकई जो मुसलमानों पे जो छुद्दा लगाया जाता था कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन नहीं, आज ये पता चल गया कि हिंदू दहशतगर्द भी यहाँ पर ही पूरे देश में छाए हुए, वो भी सब बेनकाब हो रहे हैं। अब आस्ते आस्ते मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता था, क्या नू आपने नहीं देखा दहशतगर्दी? क्या मणिपुर आप नहीं देख रहे हैं वो क्या दहशतगर्दी नहीं है? इससे पहले जो है दिल्ली के अंदर में जो हुआ क्या कसूर था मुसलमानों का? मुसलमान अपने घर में खाना पका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और अचानक से आप हमला कर देते हैं, शोभा यात्रा के नाम से मस्जिद के पास में जाके आप लोग बवाल कर देते, तो ये दहशतगर्दी तो आप लोगों ने खुद से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए कि दहशतगर्द कौन है। नाम बदनाम किया आपने मुसलमानों का, लेकिन दहशतगर्द आप हैं, आपने खुद अपना गिरेबान खोल के दिखाया कि आई एम द दहशतगर्द, हिंदू दहशतगर्द। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं तो चाह रहा हूँ कि अडानी का जहाज चलिए इसी वक्त काम आ जाए, जितने भी जाना चाह रहे हैं, अगर 100 जाना चाह रहे तो मैं तो उनसे दो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1000 जाओ और जाके इसराइल के अंदर में खुद से जाके लड़ो, तब उसके बाद में मज़ा आएगा। कितना तुम हमदर्द हो इसराइल के, हम तो मांग रहे हैं कि तुम लोग जाओ और जाके वहाँ पर ही फलस्तीन के अंदर में तुम लोग करो बवाल, तब तुमको समझ में आएगा आटे दाल का भाव। यहाँ घर के अंदर में घोपे में घुस के यहाँ पर ही बड़ी बड़ी बोली बोलने से जो है ना देश के अंदर में कुछ होगा नहीं। अगर चाहे कलेजा है तो जाके दिखाओ अडानी चाह, मैं तो अडानी जी को बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, खोल के दरवाज़ा खोल के बैठा दीजिए, जितने अंधभक्त है आइए जहाज में बैठिए, चलिए इसराइल लड़ने के लिए जाइए, देखें किसके किसके माँ ने कितना दूध पिलाया, जाके जाके इसराइल का साथ दे और फलस्तीन से लड़े जाइए।